नमस्ते कैसे हैं आप सब लोग क्या एक साथ बहुत सारी चीजों को मैनिफेस्ट किया जा सकता है ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक सवाल है बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप बहुत सारी चीजों को एक साथ मैनिफेस्ट कर सकते हैं हाँ आप कर सकते हैं गुड न्यूज है आप लोगों के लिए कैसे करना है अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि एक साथ आप कितनी चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं तो जैसे कि मान लीजिए कि आपको पांच चीजें आपको सच में चाहिए अपनी जिंदगी के अंदर पांच मेजर चीजें लाइक आपको एक घर चाहिए एक गाड़ी चाहिए एक अच्छी फैमिली चाहिए मतलब ऐसी कुछ पांच चीजें ठीक है इनको सबसे पहले तो आप लिख लीजिए एक जगह पर इसको प्रेजेंट में लिखिए कि ये घर मेरा है ये ड्रीम हाउस मेरा है अब उसके ब्रैकेट में ना एक प्रैक्टिकल रियल टाइम लिखिए जितना कि आपका जो दिमाग है उसको एक्सेप्ट कर ले उस टाइम को कि हाँ इतने समय में हो जाएगा जैसे कि चार साल ठीक है चार साल एक आपका दिमाग उसको मानना बहुत जरूरी है ये घर मेरा है ब्रैकेट में आपने लिखा चार साल मेरी बहुत अच्छे घर में शादी हुई है मेरा लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा है ठीक है और मान लीजिए कि आप हैं अभी बाईस साल के और आपको पच्चीस तक भी आपकी शादी हो 26 तक भी आपकी शादी हो तो आपको चलेगा तो आप वहां पर एक टाइम लिख दीजिए जैसे कि तीन से चार साल तो आपकी शादी का वो टाइम हो गया ना आप अभी 22 साल के हैं 25 से 26 साल और आपके पास अगर कम टाइम है लेकिन आपका दिमाग इसको मानना जरूरी है लाइक तो आप हैं ही अभी तीस साल के और आप चाह रहे हैं कि यार शादी मेरी इसी साल में हो जाए अपने दिमाग को पहले तो इस चीज के लिए रेडी करवाइए कि हो रही है हो रही है तो मेरी शादी बहुत अच्छी जगह हुई है मेरा पार्टनर बहुत अच्छा है ब्रैकेट में लिख दीजिए छह महीने या एक एक साल इस तरीके से दिमाग को पहले कन्विंस करके वहां पर एकदम रियल वाला टाइम लिख दीजिए ठीक है इस तरह से आपने वहां पर अपनी पांच मेजर जो विशेष थी उनको लिखा अब पांच विशेष को एक साथ मैनिफेस्ट कैसे करना है एक साथ एक साथ मैनिफेस्टेशन में एक चीज है जो आपको समझ लेनी होगी अगर मैं आपको कहूं ये पांचों लाइनें एक बार में ही पेन से लिख दीजिए आप लिख पाएंगे आप नहीं लिख पाएंगे ना आपको एक एक करके ही लाइन लिखनी पड़ेगी ना तो बस इस तरीके से आप दिन में पांच बार एटलीस्ट एक मिनट का ऐसा समय निकालिए कि उस एक पर, उस एक एक लाइन पर पर विश आपका हंड्रेड परसेंट फोकस हो इसके लिए आप 68 वाली जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं उसको करने के लिए आपको तीन मिनट लगते हैं तो तीन मिनट अगर आप ये पांच विश को तीन 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 मिनट करके डिवाइड कर देंगे कि मतलब आपने सुबह ये कर ली इस वाले विश के ऊपर काम कर लिया ये उन लोगों के लिए जिनको ज्यादा चीजें मैनिफेस्ट करनी है कम समय में तो ये उन लोगों के लिए है ठीक है तो ये वाली लाइन के ऊपर आपने सुबह सुबह उठ करके काम कर लिया फिर दो तीन घंटे का गैप आप मिला आपको थोड़ा सा टाइम मिल गया कि तीन से चार मिनट का आपके पास में टाइम है उसके बाद आपने दूसरे विश के ऊपर काम कर लिया एक ही टाइम पर जैसे कि मैंने अभी आपको कहा काफी प्रैक्टिकल सा मैंने आपको समझाने की कोशिश की एक ही बार में एक ही लाइन में आप वो पांच विशेष को नहीं लिख सकते हैं ना नहीं कर सकते तो बस वैसे ही आप नहीं कर पाएंगे अगर आप वो पांचों के ऊपर फोकस एक बार में डालने की कोशिश करेंगे तो खिचड़ी पक जाएगी एक भी पूरी नहीं होगी एक लाइन के लिए तीन मिनट दे दीजिए फिर एक लाइन के लिए तीन मिनट इस तरह से पांच बार अपने दिन को डिवाइड कर दीजिए तीन, तीन 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 मिनट अगर आपको सीरियसली वो जो पांच चीजें हैं अपनी लाइफ के अंदर जल्दी से जल्दी चाहिए तो इस तरह से होगा क्या एक साथ सबको आप ध्यान भी दे रहे हैं और सबके ऊपर अलग अलग टाइम पर फोकस भी कर रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि ये वाला घर मुझे चाहिए इस पर फोकस कर रहे हैं तो अब वो पार्टनर 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 पर फोकस करें नहीं वो लाइन पर आप दो से तीन घंटे के बाद में फोकस करने वाले हैं तो एक ही दिन में आप पांच विशेष के ऊपर अलग अलग टाइम पर अपना फोकस टाइम जो है वो डिसाइड करिए क्योंकि आप उसको फोकस देंगे तो आप उसे ग्रो करेंगे तो इस तरह से आप पांच छ दस आप जितनी भी चीजें हैं आपके ऊपर टाइम आपके पास उतना टाइम भी होना चाहिए कि मतलब आपको तीन 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 मिनट पूरे पूरे पूरे, पूरे दिन में आपको देने हों दे सकें आप तो फिर ये काम हो जाएगा और आसानी से हो जाएगा और आपका जो फोकस है ये पांच चीज़ों के ऊपर अगर लगा रहेगा तो इधर उधर 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 दिमाग भी आपका ज़्यादा नहीं जाएगा और ये काम करेगा मैजिकल तरीके से यस yes! एक विश को एक टाइम पर फोकस देकर के करो ये है एक तरीका कि आप बहुत सारी चीज़ों को बहुत कम टाइम में मैनिफेस्ट कर सकते हैं आई लव यू ऑल बाय